टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पर एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका दोस्त होस्ट जैन सिंह। और हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था ग्रामर। ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया था नाउन, नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब उसी का कुछ पार्ट रह गया था जिसे हम आज आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं नाउन। अभी तक आपने पढ़ा था नाउन प्लस उसके प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन आपने अभी ये पढ़ा था और ये कंप्लीट हो चुका था। बट अब जो वर्क है वो है नाउन, द नाउन नंबर। देखिए संज्ञा, संज्ञा में नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं एकवचन, और इसे कहते हैं बहुवचन। अभी एकवचन और बहुवचन क्या होता है, जो संख्याएं एक सिवाय ओनली एकमात्र हो वो एकवचन में रखी जाती हैं, और जो एक से बहुत ज्यादा हो उसे हम बहुवचन में रखते हैं। तो इसके बारे में हम और भी चीजें देख लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होते हैं इनके, द नाउन दैट डिनोट वन पर्सन इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन। एंड सेकेंड, ये आपका सिंगुलर नाउन होता है। एंड सेकेंड एज लाइक, अगर हम इसका देखें एज लाइक में देखें तो जैसे बॉय अकेला लड़का हो गया, गर्ल अकेली लड़की, उसके बाद बुक मैन वुमैन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। लेकिन सिर्फ एक सिंगल वर्ड का यूज किया जाएगा, सिर्फ एक मात्र होंगे तभी उन्हें हम सिंगुलर नाउन में रखेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं हम, द नाउन दैट डिनोट मोर देन वन पर्सन इज सेड टू बी प्लूरल नाउन। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, यहां पे सिर्फ एक पर्सन की बात कही जा रही है, एक इंसान की, और यहां पे मोर, मोर मतलब होता है बहुत ज्यादा अधिक, तो किससे, वन से अधिक, एक से अधिक अगर होंगे तो इन्हें हम किसमें रखेंगे, प्लूरल नाउन में। जैसे कि हम देखते हैं आपके एग्जाम्पल बॉयज, एक बॉय मतलब लड़का होता है यानी एक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे बॉयज, एक से अधिक होंगे, गर्ल है गर्ल्स, बुक है बुक्स, बुक मतलब किताब यानी सिर्फ एक किताब, बुक्स करेंगे तो ढेर सारी किताबें, मैन मेन, मैंस नहीं करते इसे मैन करते हैं, वुमेन वुमेन एंड एटसेट्रा। इसके सामने बहुत सारे हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब इसके रूल है कि इसको किस तरीके से चेंज किया जाए। तो हम सबसे पहले इसके रूल के बारे में आपको बता देते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं, यानी एक वचन को बहुवचन में चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए ये आप नोट कर लिए होंगे, सबसे पहले देखते हैं हम कुछ वर्ड आते हैं जैसे यस, यस एच, सी एच या एक्स। अगर ये शब्द किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं, किसी शब्द के अंत में आते हैं इंग्लिश में, तो उन्हें हम
किस में चेंज करते हैं? इन्हें हम चेंज करते हैं ई एस से, ठीक है, यस या ई एस से। तो जो हमने पहले बताया वो ई एस से चेंज होता है, बट ये कुछ वर्ड है ऐसे जिन्हें हम ई एस से चेंज करते हैं। जैसे कि देखते हैं यस का पहले, तो हम लेते हैं ग्लास। ग्लास एक शब्द है, एक सिंगल ग्लास है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये होगा ग्लासेस, ग्लासेस। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम देखते हैं, जैसे हो गया सेकेंड आपका क्या है, स्पीच, यस पी डबल ई सी एच, स्पीच। अब स्पीच का क्या हो गया, स्पीचेज, यस पी डबल ई सी एच ई एस। ओके, थर्ड नंबर पे देखिए बॉक्स, बॉक्स को हम क्या करेंगे, बॉक्सेस। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि आपका ये है डिस, इसको अगर हम देखें डी आई एस एच, डिस, तो डिस, डिस को अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा डी आई एस एच ई एस। देखिए फ्रेंड, हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमको, जिनमें हमें यस या ई एस जोड़ना होता है। तो जैसे हमने यस का दिखाया ग्लास, ग्लास के आगे हमने क्या जोड़ा है, ई एस। ग्लास जो है एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, और इसे हमने जब प्लूरल में चेंज किया तो ई एस का, ई एस को ऐड किया। स्पीच, स्पीच एक सिंगल वाक्य होता है, एक सिंगल शब्द है जिसे हम बोलते हैं, लेकिन अगर उसी को हम कहें कि कई लोगों ने स्पीच दी अपनी, यानी कई लोगों ने अपना, अपनी बात रखी, कई लोगों ने भाषण दिया, तो उसे स्पीचेज कर दिया जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। डिस, जैसे हम सिंगल बनाते हैं, हमने कहा कि हमने एक स्वीट डिश बनाई है, एक मीठा मिठाई कुछ बनाई है, लेकिन जब हमने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई है तो क्या कहेंगे, हमने बहुत ढेर सारी स्वीट्स डिशेज बनाई हैं, ठीक है। तो इसको था, ये था एक पहला रूल जिसको यस या ई एस में कैसे चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम आपको बताते हैं, अगर कोई वॉवेल आता है जैसे कि ओ, तो ओ को कैसे चेंज करते हैं हम, ओ को भी चेंज करते हैं हम ई एस में। कैसे, जैसे होता है मैंगो, मैंगो, उसके बाद हो गया रेडियो, मैंगो हो गया, रेडियो हो गया, इको, लास्ट में वो शब्द आ रहे हैं, वो लेटर आ रहा है, इसको चेंज करते हैं हम। देखिए प्लूरल में जैसे ही चेंज करेंगे आप कहेंगे मैंगोज, मैंगो एक आम, मैंगोज ढेर सारे आम। इको, इको जो गूंजना होता है, आवाज गूंज रही है, उसको कहते हैं इकोज। ओके फ्रेंड्स, ये है आपके टॉपिक्स में ओ को किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब इसके बारे, इसके आगे हम आपको बताते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो चेंज किए जा सकते हैं। अब देखिए एक आता है सेमी वोवेल, जिसे हम वाई को कहते हैं सेमी वोवेल। वोवेल कॉन्सोनेंट आप जानते ही हैं, वोवेल वैसे मोस्टली पांच प्रकार के होते हैं, बट वाई को सेमी वोवेल के रूप में रखा जाता है। इसको हम चेंज करेंगे आई ई एस में। जैसे अब शब्द देखते हैं कौन कौन से लेटर आते हैं, स्काई, स्काई हो गया, तो इसको चेंज करेंगे एस के आई ई एस। ओके, उसके बाद हो गया, आपने स्काई लिखिया, फ्लाई, फ्लाई हो गया, लेडी हो गया। तो अब देखिए फ्लाई को चेंज करें, फ्लाइज, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। लेडीज का एल ए डी आई ई एस, लेडीज। देखिए आपने वाई को चेंज किया है किसमें, आई ई एस में। फ्रेंड्स ठीक इसी तरीके से आपने तीन फॉर्मूले जाने कि सबसे पहले हमने किसको चेंज किया, एस एस एच सी एच एंड एक्स को, किसमें चेंज किया, ई एस में। फिर आपने ओ को चेंज किया ई एस में, वाई को चेंज किया आपने आई ई एस में। अब हम चेंज करते हैं, कुछ वर्ड और हैं जो एफ से आते हैं, जैसे कि एफ आई एफ एंड एफ ई।
अब इनको हम किस में चेंज करते हैं, वी ई एस में, जैसे होता है थीफ, एफ आया थीफ, एफ आया सेल्फ, एस ई एल एफ सेल्फ हो गया, उसके बाद क्या नाइफ, के एन आई एफ ई। देखिए हमने सारे वर्ड आपके सामने लिख दिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, थीफ को करेंगे टी एच आई ई वी ई एस, थिप्स यानी ढेर सारे चोर हो गए। सेल्फ का सेल्फ, एस ई एल वी ई एस सेल्फ, नाइफ के एन आई वी ई एस नाइफ्स, यानी यहाँ पे एक चाकू, यहाँ ढेर सारे चाकू हो गए, यहाँ एक चोर है, यहाँ ढेर सारे चोर हो गए, यहाँ एक स्वयं है और यहाँ ढेर सारे लोग स्वयं काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अदर को भी चेंज करते हैं। देखिए अब आपने जो चेंज किया है उसको लिख देते हैं एफ इफ एंड, इसको आपने किस में चेंज किया है, वी ई एस में। अब इसके आगे के और टॉपिक्स बता देते हैं। कुछ वॉवेल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ वॉवेल चेंज किए जाते हैं, जैसे कि फुट, टूथ, तो इनको चेंज करते हैं। फुट को चेंज करते हैं हम फिट में, फुट को चेंज करते हैं हम फिट में, और टीथ, टूथ को चेंज करते हैं टीथ में। ये जो वॉवेल हैं इसमें सिर्फ वॉवेल चेंज किए जाते हैं, ये लास्ट वर्ड में चेंज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इसके वॉवेल चेंज होते हैं। अब इसके आगे हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स को चेंज करेंगे ऑक्सेन में, इसमें जो वर्ड होता है लास्ट में एक्स होता है उसमें ई एन जोड़ दिया जाता है और उसके बाद होता है। ठीक इसी तरीके से आपको कुछ वर्ड्स और मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और अगर हम ढेर सारे बच्चों की बात करें तो वो हो जाता है चिल्ड्रेन, लेस लास्ट में क्या जुड़ता है आर ई एन। तो इसी तरीके से कुछ वर्ड जो हैं आपके बनते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है, किस तरीके से आप एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। अब इसके आगे के टॉपिक हम देखते हैं जिसे कहते हैं द नाउन जेंडर, ये आपका टॉपिक था, द नाउन नंबर एंड हो गया। अब हम देखते हैं द नाउन जेंडर, जेंडर मतलब होता है लिंग, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो मैक्सिमम लिंग दो या तीन प्रकार के कहे जाते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, एंड फॉर न्यूटर। ये चार तरीके के होते हैं। मैस्कुलिन वो होता है जिससे हमें पुरुष का बोध होता है, फेमिनाइन वो होता है जिससे हमें महिला का बोध होता है, कॉमन वो होते हैं जो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, और न्यूटर वो जो नपुंसक लिंग होता है। अधिकतर इसे हम निर्जीव के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन की, आइए तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन की। द नाउन दैट डिनोट मेल एनिमल पर्सन सेट टू बी सेट टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर।
एज लाइक, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें क्या कह रहा है, मेल, मेल जो डोमिनेंट होता है यानी पुरुष, तो जैसे हम लिखेंगे डॉग, डॉग कुत्ता, उसके बाद मैन आदमी, ठीक, ऑक्स, इस तरीके के जो वर्ड आएंगे वो मेल यानी पुरुष को, जो शब्द पुरुष को डिफाइंड करते हैं वो क्या होता है, पुरुष मैस्कुलिन होता है। अब इसके इसके बाद हम देख लेते हैं फेमिनाइन, फेमिनाइन क्या होते हैं, अब देखिए सेकेंड हम देखते हैं फेमिनाइन, द नाउन दैट डिनोट फीमेल एनिमल पर्सन, एज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। एज लाइक, जैसे डॉग का हमने बनाया था तो उसका हो गया बिच, मैन का वुमेन, ऑक्स का काउ, एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो शब्द हैं ये किसको बता रहे हैं, ये फीमेल को बता रहे हैं, फीमेल एक औरत के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इसको पहले देखते हैं मेल को फीमेल में कैसे चेंज करते हैं, मेल वर्ड को फीमेल वर्ड में कैसे चेंज करते हैं, यानी मैस्कुलिन को फेमिनाइन में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो आइए कुछ शब्द देख लेते हैं सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, जो चीजें आपको समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैन, मैन बॉय, ऑक्स, डॉग। अब देखिए मैन को किस में चेंज किया हमने, मैन जो है मैस्कुलिन वर्ड है और ये क्या हमें फेमिनाइन में चेंज करना है यानी फीमेल में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, मैन का क्या हो गया वुमेन, बॉय का गर्ल, ऑक्स काउ, डॉग बिच। तो ये जो शब्द है, जैसे मैन पुरुष, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, तो मैन जो शब्द है, आदमी जो शब्द है वो पुरुष लिंग है और जो वुमेन शब्द है वो क्या है स्त्रीलिंग है। बॉयज क्या है लड़का, पुरुष, गर्ल्स जो है लड़की वो फीमेल है, ऑक्स काउ डॉग और बिच। तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके सामने कि मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे चेंज किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, अब देख लेते हैं थर्ड कॉमन जेंडर। The noun that denote either male or female is said for the कॉमन जेंडर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं, जैसे कि उन्हें हम किस में रखते हैं कॉमन जेंडर में। अब जैसे हम बात करते हैं पेरेंट्स माता पिता, चाइल्ड बच्चे, तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, अगर हम एक और देख लें गार्जियन, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं यानी
पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके स्कूल में, तो जब स्कूल वाले घर से किसी को बुलाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, वो ये नहीं कहते कि आप अपने पापा को लेके आइए या मम्मी को लेके आइए। पेरेंट्स में दोनों आ सकते हैं, या माँ भी आ सकती हैं और पिताजी भी आ सकते हैं, चाचा भी आ सकते हैं, चाची भी आ सकती हैं। तो जो चीज़ें ना पुरुष को और ना महिला को डिफाइंड करती हैं, वो दोनों को डिफाइंड कर दे तो वो क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है, जिसे हम सामान्य रूप से कह सकते हैं, या कॉमन जेंडर को आप जनरल जेंडर भी कह सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर अब देख लीजिए, द नाउन दैट डिनोट नाइदर मेल और फीमेल इज सेड फॉर द, क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। इसको एक फॉर्म में कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स अधिकतर ये नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। अब जैसे कि इसमें बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि क्या, नाइदर मेल और ना ही फीमेल, वो ना तो मेल होती है, ना पुरुष लिंग होता है, ना उनका महिला लिंग होता है, अधिकतर वो नॉन लिविंग होती हैं, जो जीवित नहीं होती। तो जैसे हम बात करेंगे चेयर, टेबल, बुक एटसेट्रा। तो किताब, चेयर, चेयर क्या है, कुर्सी क्या है, कुर्सी जो है एक शब्द है सिर्फ, वो ना पुरुष है ना महिला है, वो सिर्फ एक शब्द है जो निर्जीव है, उसे हम अदर किसी में नहीं रख सकते, उसका कोई लिंग नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, चेयर कहते हैं, वो उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। किताब, किताब क्या पुरुष होता है या महिला होती है, ना किताब पुरुष होती है ना महिला होती है, सिर्फ और सिर्फ वो निर्जीव चीज़ है जो हमें ज्ञान दे देती है, तो वो इसमें किस में रखा जाएगा, उसे न्यूट्रल जेंडर में रखा जाएगा। तो आपके सामने ये था नाउन द जेंडर, जो टॉपिक आज खत्म हो गया। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, नाउन द जेंडर में चार तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, उसके बाद कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, चार तरीके के होते हैं। आपने मेरे ख्याल से सारे वर्ड्स नोट कर लिए होंगे, आपने अपना नोट्स बना लिया होगा। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाते हैं द नाउन केस के बारे में। ये नेक्स्ट देख लेते हैं द नाउन केस। द नाउन केस, केस मतलब होता है कारक। ये तीन तरीके के होते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस नाउन वी फाउंड मेनी फंक्शन एंड रिलेशन। हम नाउन में क्या पाते हैं, हम नाउन में पाते हैं कि उनका जो शब्द होता है उसमें या तो बहुत अच्छा काम, उसमें कार्य भी होता है, उनके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये क्या होता है, ये तीन तरीके के होते हैं, अगर इनके ऊपर देखा जाए तो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, एंड सेकेंड क्या होता है, इसे हम क्या कहते थे,
सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड होता है पोजेसिव केस। ये तीन तरीके के होते हैं, पहला नॉमिनेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव और थर्ड पोजेसिव केस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में। आइए देख लेते हैं एक बार हम फिर कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हम इसमें देखते हैं जिसका डिफिनेशंस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड दैट द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब हम इसके साथ क्या देखते हैं, जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, क्रिया के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो जैसे कि हम लिखेंगे सीमा गेव अ बुक, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, ये बताइए इसके आगे के टॉपिक हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया नाउन, नाउन में जेंडर, जेंडर में बुक किस जेंडर में रखा जाएगा, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो बुक है इसे किस जेंडर में हम रख सकते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं, गिव, 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 गिव मतलब क्या होना है, देना। तो गिव, गिव इसका सेकेंड फॉर्म है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब। और सीमा क्या है, सब्जेक्ट, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, सीमा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज यूज्ड व्हेन अ नाउन, जब एक संज्ञा या सर्वनाम इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, कर्ता के रूप में, किसमें, क्रिया के लिए या क्रिया के अनुरूप, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। तो ये क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस है। क्या है, नॉमिनेटिव केस। ओके, अब हम बात करते हैं, एक बात और हम आपको बता दें, क्रिया आपके लिए पहचानना बहुत इजी हो जाएगा जिस शब्द के लास्ट में, हिंदी में हम आपको बता देते हैं, जिस शब्द के लास्ट में ना शब्द आता है वो शब्द क्रिया होती है। जैसे कि हम बात करें नहाना, धोना, खेलना, कूदना, देना, लेना, ये सारे शब्द क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, ना, ना शब्द आता है तो वो शब्द क्या है, आपकी क्रिया है। और इसकी जो इंग्लिश होती है वो चेंज हो सकती है, जैसे आपने कहा गाली देना, तो गाली देना अब्यूज, तो अब्यूज हम क्या कहते हैं, लास्ट में क्या शब्द आया है, देना। तो इस तरीके से आप क्रिया की पहचान आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। देखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, अब क्या, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें क्या करना है कि क्रिया का जो अनुरूप है किसके अनुरूप बदल गया है, वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म के आधार पर बदल रहा है। जैसे हम पहले वाले एग्जांपल की बात करेंगे तो सीमा गेव अ बुक, तो अगर हम सीमा के बारे में बात करें तो सीमा क्या है, सब्जेक्ट थी, जिसे हमने कहा था नॉमिनेटिव केस में, क्या कहा था हमने, नॉमिनेटिव
किस, तो इसमें ये क्या है, वर्ब है आपकी, ठीक। और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या किस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी इसमें आई भी ई जोड़ देंगे और इसे हम कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर देख लीजिए आप, ऑब्जेक्टिव केस जिसमें कर्म के आधार पे बातें होती हैं, जैसे सीमा गेव अ बुक, सीमा ने एक किताब दिया, लेकिन दिया क्या, दिया मतलब हो जाता है वर्ब, और किताब क्या है, किताब उसकी कर्म है, किताब उसका कर्म हो गया है, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की, जो है आपका पोजेसिव, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, अब इसमें देखिए, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड ऑनरशिप और पोजेसिव, शॉर्ट फॉर्म में हम आपको डिफरेंसेस बता रहे हैं इसके, जहां पे उसका ऑनरशिप दिखाया है, यानी उसका अधिकार दिखाया जाता है किसी चीज पर, वो क्या होता है, हमारा पोजेसिव केस में आता है। जैसे कि हम बात करेंगे, दिस इज राम्स बुक, ये किसकी किताब है, राम की किताब है। हम बात करते हैं दिस, यह किताब है, ये किसकी किताब है, राम की किताब है। तो इसमें क्या बात कही गई है, राम का अधिकार किस चीज पे है, उसकी किताब पर है, राम का अधिकार है उस किताब पर, किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। तो राम क्या है, उसका ऑनरशिप, यानी उसका अधिकार ही जो कहलाएगा वो क्या है, ऑनरशिप, ठीक। ये सिर्फ अधिकार जब दिखाया जाता तब, वैसे क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, काम तो इसी के द्वारा, काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें नाम देखा जाए, तो हम जब किसी से कोई बात कहते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो हम ये बताते हैं ये अधिकार कैसे है, तो इसीलिए किसका अधिकार है, ऑनरशिप, राम का अधिकार। चीजें हो गई, ये था नाउन आपका, और ये नाउन तीनों टॉपिक्स आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया है और कैसे बताया है, कौन कौन सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट, तो ठीक है, हम बात करते हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था किसके बारे में, नाउन के बारे में, एंड द सेकेंड काइंड्स ऑफ नाउन, आज हमने आपको बताया है नाउन ही, लेकिन उसमें हमने आपको तीन चीजें बताई हैं। पहला बताया है जेंडर प्लस नंबर और प्लस केस। तो फ्रेंड्स, हमने आपको मेन मेन टॉपिक्स बता दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोटिस चीजें बताई हैं, जिससे कि आप उसे नोट कर सकें, और ये एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा आता है, ग्रामर है, आपको किस चीजों को किस चीज में चेंज करना है, जैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है किस तरीके से करेंगे, मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करना है वो किस तरीके से करेंगे, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है किस तरीके से, ये क्या इसके डिफिनेशंस होते हैं, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। केस किस तरीके के केस आते हैं, उसमें तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, और पोजेसिव केस होते हैं। पोजेसिव केस में उनका खुद के चीजों पे अधिकार होता है, जब कोई किसी चीज के अधिकार के बारे में बताता है, जैसे कि कह सकते हैं कि दशरथ का अपने पुत्र राम के ऊपर अधिकार था, तो यहाँ पे जो दशरथ है का पुत्र राम है, उनका अधिकार है, बेटे पिता का अधिकार हमेशा अपने पुत्र पे होता है, तो जहाँ पे अधिकार दिखाया जाता है वो कौन सा केस होता है आपको, ये चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये चीजें देखेंगे और पूछेंगे भी। और अब ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है, और तब तक आप देखते रहिए वीडियो और इसे अच्छे तरीके से याद करते रहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए, और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।